वेलकम फ्रेंड्स टू द Niganamna.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बजट समवेयर अराउंड 1 लाख का है तो आपके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा रहने वाला है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी आई, तो मैंने सोचा क्यों नहीं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। अगर आपका बजट समवेयर अराउंड 1 लाख का है देन ऑफकोर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कई सारे अच्छे सॉल्यूशंस मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ओन पर्सनल रिक्वायरमेंट, योर ओन पर्सनल बजट, क्योंकि एक बजट बाउंडेड गाइड है तो हमें कई सारे फैक्टर्स को यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। ना अगेन, अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल बजट के साथ हो, मान लो आप अपने बजट को 1,50,000 भी कर सकते हो, देन ऑफकोर्स वी डू हैव एंटायर डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं वीडियोग्राफी से रिलेटेड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट फोटोग्राफी, हाइब्रिड शूटर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो वीडियोग्राफी से रिलेटेड बात करते हैं, तो अगर आप वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी करते हो, इवन योर बजट इज समवेयर अराउंड 1,00,000 or 1,50,000, मैक्स बजट आपका 1,50,000 का है, तो आपको मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लो सोनी का A6 4D कैमरा। वाई A6 4D कैमरा इवन इन 2022, क्योंकि एक वेदर सील्ड कैमरा है, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग वाला कैमरा है। और मान लो आपका बजट 60,000 to 70,000 में आपका कैमरे का बजट निपट जाता है, देन यू हैव लेफ्ट सो मच फॉर लेंसेस। और लेंसेस की रिक्वायरमेंट एक वेडिंग सिनेमाटोग्राफर को होती ही होती है, एक वाइड आपको लेनी पड़ेगी, टेली लेंस लेनी पड़ेगी, सो यू नीड टू बाय सम सॉर्ट ऑफ लेंसेस फॉर वेडिंग सिनेमाटोग्राफी पर्पस। तो यहाँ पर अगर आपका बजट 1 लाख का या 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा भी है, देन ऑफकोर्स यू शुड बाय द A6 4D कैमरा, बचे हुए पैसे लेंसेस पर डाल देना, ठीक है। बट हम बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यू नो दैट टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। 4 साल आप पकड़ के चलो आपको बॉडीज अपग्रेड करनी ही करनी है, देन वाई टू स्पेंड मच एंड मच मोर इन दिस कैमराज बॉडी। आप लेंसेस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हाँ कैमरा बॉडी पर इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं रहेगा। इवन दो अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं मुझे और इन्वेस्ट करना है, वांट टू हैव अ बेटर कैमरा देन A6 4D कैमरा, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा यू शुड देन जंप टू A7C, ठीक है। उसके नीचे फिर कोई कैमरा परचेज नहीं करो, या फिर Z6 Mark II कैमरा ले लो, उससे भी आप आराम से 4K की 30p 60p वीडियोज बना सकते हो। सो इन दैट प्राइस रेंज, जब आप 1,50,000 के ऊपर या 2 लाख तक का आपका बजट है और आपको A6 4D कैमरा नहीं लेना है इन एनी वे, देन यू शुड पिक आइदर A7C और Z6 Mark II कैमरा। बीच में कोई कैमरा आपको मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, इफ यू आर वेडिंग फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर स्पेसिफिकली, सिनेमाटोग्राफिकली मैं इसके बीच में और भी कोई कैमरा आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। नाउ फॉर कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब जनरेशन, आप जैसे वीडियो बना रहे हो, जैसे मैं अभी बना रहा हूं, और 2022 का टाइम है, इस वक्त सबसे अच्छा कैमरा आपके लिए रहेगा ZV-E10 कैमरा। आई नो इसको मिलना बहुत ही मुश्किल है, काफी टाइम से स्टॉक में नहीं, और कब आएगा इसके बारे में भी बहुत क्लियरिटी नहीं रहती इस कैमरे को लेके, बट यार द बेस्ट कैमरा इन 2022 फॉर कंटेंट क्रिएटर इज ZV-E10, 1 लाख की बजट रेंज में। और 1 लाख से ज़्यादा का बजट है देन ऑफकोर्स यू कैन गो विद द A7C कैमरा। A7C भी बहुत बहुत उम्दा कैमरा है, 17 to 28 mm की डैमरॉन की लेंस के साथ आप शुरुआत कर सकते हो व्लॉगिंग की, तो बहुत उम्दा सेटअप है आइदर ZV-E10 कैमरा और द A7C। इन दोनों में से कोई भी कैमरा आप पिक कर सकते हो। अगर बजट ज़्यादा है A7C, बजट कम है देन ऑफकोर्स ZV-E10, वेट करो अवेलेबल जब होगा परचेस कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोटोग्राफी। अगर आप फोटोग्राफर हो, 70-80-90% तक आपको फोटोग्राफी करनी, या यू डू सम कैजुअल वीडियो स्टफ बट मेनली यू आर फोटोग्राफर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन से कैमरे पिक करना है, अगर मान लो आपका बजट समवेयर अराउंड डेड एंड 1 लाख का है, ठीक है, तब आपके लिए एक अलग रिकमेंडेशन मैं अभी बताने वाला हूँ। बट हाँ 1 लाख से अगर आप जा सकते हो, देन वी हैव सम वेरी वेरी गुड फुल फ्रेम कैमरा ऑप्शन फॉर यू, लाइक द निकॉन Z5, ठीक है। Z5 के साथ क्या इश्यू, देखो Z5 की इमेज क्वालिटी का जो टक्कर है ना, वो कोई भी आपका APS-C कैमरा नहीं दे सकता। इवन 26MP की BSI CMOS सेंसर से ज़्यादा डिटेल कैप्चर करता है Z5। आप खुद कंपेयर करके देख सकते हो 1x1 दोनों कैमरे की इमेज क्वालिटी को, क्योंकि ये फुल फ्रेम सेंसर है, क्योंकि 24MP का फुल फ्रेम सेंसर है, तो हर एक पिक्सल इसकी बड़ी है कंपेयर टू APS-C सेंसर एंड हायर रेजोल्यूशन ऑफ 26MP। मैं फ्यूजी की सेंसर की बात कर रहा हूँ, तो डिटेल ज़्यादा कैप्चर करता है, डायनेमिक रेंज बेटर है, और आपकी लो लाइट में परफॉर्मेंस इसकी बहुत उम्दा है Z5 की। इवन दो निकॉन ने इसके अंदर सेंसर शिफ्ट IBS भी दे रखा है,
प्रॉब्लम क्या है, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत ही उम्दा ट्रैकिंग नहीं है। ये नहीं कि आप ये सोचो कि क्लास लीडिंग फेस ट्रैकिंग IEF ट्रैकिंग मिलेगी Z5 में। ऑफ कोर्स यू हैव लिमिटेड बजट, तो आपको थोड़े लिमिटेड फीचर्स के साथ गुजारा करना होगा। बट बीइंग अ फोटोग्राफर, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि अगर मैं फोटोग्राफर हूँ तो मुझे इमेज क्वालिटी अपने कैमरे से बेस्ट मिलनी चाहिए। तो आपका बजट अगर एक से थोड़ा बढ़ सकता है देन ऑफ कोर्स यू शुड गो विद अ Z5 कैमरा। इन एनी केस ऑफ कोर्स द ट्रैकिंग इज नॉट वेरी गुड कंपेयर्ड टू अदर्स, मे बी A7 III कैमरा से आप कंपेयर करके देख लो, बट हाँ इन बजट यू विल गेट अ अमेजिंग कैमरा इन योर हैंड। जैसे मैंने कहा A7 III, मान लो आप थोड़ा सा बजट को आप स्केल कर सकते हो, देन यू विल गेट टू मोर ऑप्शंस अगेन, द Z6 एंड द A7 III। एंड ऑफ कोर्स Z6 से तो A7 III बेटर है। और थोड़ा बढ़ जाओ आगे, देन वी हैव द Z6 Mark II कैमरा। अब Z6 Mark II कैमरा लगभग 180-190 के अराउंड में आपको Z6 Mark II कैमरे की बॉडी विद 24-70 f/4 लेंस मिल जाती। सो अगेन जैसे जैसे बढ़ते जाओगे कई सारे ऑप्शंस आते जाएंगे, बट जस्ट जैसे 100,000 का बैरियर आप ब्रेक करते हो, यू हैव द Z5 एज अ ऑप्शन। एक बहुत बहुत उम्दा कैमरा है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैन नहीं हो कि मुझे ट्रैक करना है अपने सब्जेक्ट को, ट्रैक एंड शूट करना है, ये करना है, वो करना है, इमेज क्वालिटी के हिसाब से Z5 का कोई जवाब नहीं कंपेयर टू द कंपेटिटर्स अंडर 1 lakh प्राइस रेंज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंडर 1 lakh प्राइस रेंज की ऑप्शंस की। देन वी हैव द Fuji। 1 lakh के अंदर सबसे अच्छे सेंसर की बात करें तो ऑफकोर्स Fuji अपना 26 MP का BSI CMOS सेंसर लिए हुए है। वी हैव द Nikon Z50 कैमरा विद 20 MP सेंसर, द ZFC। वी हैव द Canon's 32 MP सेंसर। 32 MP सेंसर के साथ देखो दो छोटी छोटी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। द फर्स्ट थिंग इज कि कन्वेंशनल CMOS सेंसर के ऊपर Canon ने इतना रेजोल्यूशन का लोड दे दिया है, तो कन्वेंशनल CMOS सेंसर की लो लाइट परफॉर्मेंस उतनी उम्दा नहीं मिल पाती है। एंड अगेन टू रिजॉल्व 32 MP सेंसर यू नीड बेटर लेंसेस। आपको किट लेंस से काम नहीं चलेगा, आपको सस्ती जूम लेंसेस से काम नहीं चलेगा। अगर आपको डिटेल्स चाहिए, अगर आप पिक्सल पीपर हो कि भाई मुझे डिटेल्स नहीं मिल पा रहा 100% जूम पे, यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन लेंसेस। ठीक है, अच्छी लेंसेस खरीदनी पड़ेगी। विश्वास नहीं तो आप 90D के अपने कैनन की सैंपल इमेजेस देख लो Canon USA की वेबसाइट में। उन्होंने हर एक सैंपल इमेजेस को L-series के लेंसेस से खींचा है। ठीक है, that clearly indicates they also want to dig out the maximum detail from the sensor resolution, resolving power का ये सारा खेल है, ये आपको भी समझना पड़ेगा। Now apart from that, so yeah, Canon की दो बातें आपने जान ली। Now let's talk about the best camera under 1 lakh price range, वो 1 lakh के आसपास के price range में। मैं Z5 को पहले ही बता चुका भैया, वो best है फुल फ्रेम सेंसर के साथ। उसके बाद जो ऑप्शन है मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। Fuji काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमारे सामने आता है। Fuji का XT30, XS10 कैमरा, XT3 कैमरा, ये सारे ये तीनों कैमरे 26 MP की BSI CMOS सेंसर को लेकर आए हुए हैं। बट हाँ, Fuji के साथ आपको ये भी जानना समझना है दैट यू नीड टू पे मोर फॉर लेंसेस। बट थैंक्स गॉड अभी 2022 चल रहा है और Viltrox की कई सारी लेंसेस मार्केट में आ चुकी हैं। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया कि इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर, Viltrox की लेंसेस फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छी है, नॉट सो रिकमेंडेड फॉर वीडियोग्राफी पर्पज। ये मैं बहुत ही क्लियरली बता दूँ आपको। तो अगर आप फोटोग्राफर हो और लगभग आप थोड़ा सा बजट को अपना और आप स्केल कर सकते हो अपनी फेवरेट लेंस खरीदने के लिए, देन ऑफकोर्स वी डू हैव सम ग्रेट ऑप्शन इन Viltrox। Viltrox की EF लेंसेस काफ़ी उम्दा है और फोटोग्राफी में आपको बहुत हेल्प करेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड बेस्ट कैमरा, द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन फॉर फोटोग्राफर। अगेन आई एम सेइंग द Z5 इज अबव 1 lakh और वो बेस्ट है, द सेकेंड ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ अंडर 1 lakh कैमराज। ठीक है, द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज Z50। प्राइस के हिसाब से और सेंसर परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने रेंज में एक बहुत अच्छा कैमरा है। 20 MP की कन्वेंशनल CMOS सेंसर है, लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बेस्ट है अगर बाकी कन्वेंशनल CMOS सेंसर से कंपेयर करें तो, यानी कि Canon की 32 MP सेंसर से, Canon की 24 MP सेंसर से, या Sony की 24 MP सेंसर से जो भी अंडर 1 lakh है, या फिर Fuji की 24 MP की कन्वेंशनल CMOS सेंसर से। बट हाँ, इन सारी लिस्ट में मैं 26 MP की BSI CMOS सेंसर को अलग रख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपने समझनी है। तो ये हो गई बात Nikon की कि भाई हाँ, आफ्टर Fuji वी हैव द Nikon। नाउ इन द थर्ड प्लेस वी हैव द Sony एंड
अगेन इन द सेम थर्ड प्लेस वी ऑल्सो हैव कैनन। कैनन का 32 MP का कन्वेंशनल सीमॉस सेंसर है, और इसके साथ मैंने थोड़ी बहुत इश्यूज आपको बता दी कि आप 90D खरीद सकते हो। 90D अपने आप में एक बहुत उम्दा कैमरा है, बट हाँ लेंसेस थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की खरीदना, जैसे कि रिसेंटली अनाउंस 18-135 नैनो USM लेंस, या फिर आप 70-300 mm की जो नैनो USM लेंस उन्होंने यूज करी है, जूम लेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइम लेंसेस तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छी रिजॉल्विंग प्रॉपर्टी लिए हुए रहती हैं, प्राइम लेंसेस में आपकी 50mm f1.8 से भी काम चल जाएगा। तो जूम लेंसेज जब भी खरीदना है तो थोड़ी हाई क्वालिटी खरीदना। 90D एक अच्छा कैमरा है, बट लेंसेज के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे, जस्ट लाइक इन मिररलेस जोन जैसे आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करने होते हैं। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द सोनी कैमरा। सोनी कैमरा भी फोटोग्राफर्स यूज कर सकते हैं, बट अगेन मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया था दैट इफ यू आर इनटू वीडियोग्राफी और यू आर इनटू यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, यू शुड फर्स्ट बाय द सोनी कैमरा। सोनी कैमरा आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए। Now, even if you are a photographer, you can easily click some good images from the A6400 camera, whether sealed camera, तो आप इससे wedding photography भी कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, और videography भी कर सकते हो। It's a multi-purpose camera. तो हमने हर एक कैमरे की यहाँ पर बातें कर ली जो under 1 lakh रेंज में अवेलेबल हैं और जो कहीं ना कहीं बेस्ट है मेरे हिसाब से। या यहाँ पर मैंने कुछ एक कैमरों के नाम नहीं लिए, फॉर एग्जांपल M6 Mark II कैमरा। रीज़न बस इतना ही है क्योंकि यहाँ पर मैंने 90D का नाम ऑलरेडी ले रखा है, और इन दोनों कैमरों के बीच में मैंने कंपैरिजन भी करी है 90D वर्सेस M6 Mark II कैमरा। इसमें आप डिटेल से ये समझ पाओगे कि क्यों मैंने 90D को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। अगेन इन सोनी के पास तो अभी सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे अंडर 1 lakh। A6100 कैमरा तो डिसकंटिन्यू हो गया, इवन A6000 कैमरा भी डिसकंटिन्यू हो चुका है। फ्यूजी के 24 MP कन्वेंशनल सीमॉस सेंसर को मैं कभी भी प्रेफरेंस नहीं दूंगा। फ्यूजी की एक्स्ट्रा सेंसर तो बहुत ही बहुत बेस्ट है, बट हाँ अंडर 1 lakh या 1 lakh का आसपास का बजट है तो अगर आप मान लो आप 26 MP के BSI सीमॉस सेंसर पर इंटरेस्ट नहीं रखते हो, या आपको फ्यूजी की लेंसेज थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रही है, द नेक्स्ट बेस्ट कैमरा आफ्टर दैट इज द Z50 आप परचेस कर सकते हो। इवन दो Z50 आपको लग रहा है कि भाई मैं निकोन के साथ नहीं जा सकता, मैं मुझे कैनन के साथ जाना गो विद 90D, बट यू हैव टू स्पेंड मोर इन लेंसेज। एंड फाइनली वी हैव द ZV-10 एंड द A640 कैमरा। सो दीज आर द सेट ऑफ बेस्ट कैमराज अवेलेबल। मैंने हर एक कैमरे के बारे में बात करी, इवन आई हैव 1 lakh अगर आप थोड़ा सा जा सकते हो मैंने उसके बारे में डिस्कस करा। इवन आफ्टर दिस गाइड इफ यू हैव सम क्वेश्चंस लेफ्ट आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करने की जरूर आपको कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स।